मिलकर हमारा सपोर्ट कीजिए, हम लोग आश्रम को आगे बढ़ाइए, हम लोग को आगे चाचा ने संस्था के आसन दीदी आसन आसन अपना नाम की काकी माँ। आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में और हमारे सहयोगी सौरभ जी हमारे साथ हैं और हम आज आपको बता दें, एक बार सौरभ जी को मैं बोलूँगा आप इस तरफ दिखाइए, यह जीवन दांजली फाउंडेशन अनाथ आश्रम गुड़िया जोट झिंका बस्ती माटीगढ़ा में यह फाउंडेशन है जहाँ पे आज तमाम छोटे छोटे बच्चों को आज यहाँ पे भोजन देने का कार्यक्रम किया गया था और उसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम इनके सौजन्य से हुआ है तमाम चीज़ों को हम यहाँ के पदाधिकारी जो हैं उनके साथ रूबरू हो करके आप सभी को बताते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या नाम है दादा आपका? श्यामल सर। तो श्यामल दा, आज क्या यहाँ से क्या लिए? पूरी सब्जी लिए। किनारा की बोलते चाचे ने संस्था के की नाम अपना पर क्या बोल क्या नाम है बहन जी? तो गुड्डी जी क्या क्या कहेंगे इस संस्था के बारे में जो आज इस तरीका का राहगीर चलते हुए लोगों को भोजन करवा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया है, अच्छा है, गरीबों का खाना खिलाने के लिए किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। क्या क्या दिए हैं खाने में एक बार देख सकते हैं? सब्जी दिए हैं। अच्छा 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 आसन दीदी आसन आसन। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। है जैसे विक्रम पोद्दार जी सेक्रेटरी भी कई है हमारे और कई से जी है और हमारे ये भाई लोग अभी जुड़े हैं, हमारे ये आश्रम के किचन मेट है, हम परिचय करा देते हैं। और हमारे ये जीवन दांजली फाउंडेशन के मैरून खातून कैशियर हैं और अनाथ आश्रम के इंचार्ज हैं और हमारे ये पार्वती महतो हैं, ये आपका कैशियर असिस्टेंट कैशियर हैं अनाथ आश्रम के और ये हमारे सब सेवक हैं आश्रम के, सेवादान जाते हैं बाहर, अगर कोई बच्चों के लिए दान पुण्य भी अगर लेने के लिए बाहर भी जाते हैं ये महिलाएं के लिए और कल्याण का काम करते हैं। ये है मैरून खातून। कितना दिन हो गया मैं खातून जी आपको इस संस्था से जुड़े हुए? कम से कम 6 महीना जैसा हो गया। कैसा लग रहा है आपको इस फाउंडेशन से जुड़ करके? मुझे अच्छा लगता है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिला इस कार्यक्रम से जुड़ने का? ये हमारे भूषण सर ने मुझे बताया और मुझे देखकर ये अच्छा लगा, इसीलिए हम ज्वाइन हुए इसमें। आप इसके पहले क्या कार्य करती थी? हमारा छोटा सा चाय का दुकान है जी। तो आप अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब ये काम अचानक से वो दुकान का मतलब काम को छोड़ के ये काम करना शुरू किया? मुझे अच्छा लगता है ये काम, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग महिला लोग हैं, हम लोग बाहर भी निकलते हैं और महिला लोग के लिए मदद भी करते हैं। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग का आश्रम आगे बढ़े, गरीब महिला लोग को भी हम लोग मदद करेंगे। हम लोग रोड में भी निकलते हैं, हमारा छोटा सा कैंप लगता है, हर रविवार को हम लोग खिलाते हैं। अभी आपके कैंप में यानी फाउंडेशन में जीवन दांजली में कितने बच्चे हैं? कम से कम 100-200 जैसा होगा। अच्छा अच्छा। और क्या हमारी माताएं बहनें कुछ महिलाएं भी हैं क्या? हाँ महिलाएं भी हैं। कितने महिलाएं हैं? महिलाएं 10-12 होंगे लोग। तो वो क्या कार्य करती हैं? वो लोग हमारे आश्रम में काम कभी निकलते हैं लोग, फिर खाना वाना बनाते हैं हम लोग सब मिलकर, ये सब बच्चे लोग का देखभाल करते हैं लोग। ऐसे समय में आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? हम कृपया कर रहे हैं हम लोग जल्द से जल्द आगे बढ़ें और सब महिला लोग को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो लाचार है उन लोग को हम लोग मदद करेंगे, जिसका कोई नहीं है उन लोग को हम लोग रखेंगे, आपके संस्था से हम लोग जुड़े। और मेरा नाम मैरून खातून, हम माटीगढ़ से। आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। तो आज जीवन दांजली फाउंडेशन अनाथ आश्रम में क्या कार्यक्रम हो रहा है आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं भूषण कुमार सोनी, जीवन दांजली फाउंडेशन एंड अनाथ आश्रम के मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ और इस आश्रम को उद्घाटन हुए 3-4 महीने हो गए हैं
और ये हमारी फाउंडेशन का लक्ष्य जो है उसी लक्ष्य का पहला कदम जो हम लोग लिए थे। अब हम लोग जो बच्चे से लेके बुजुर्ग जो भी गरीब महिलाएं वंचित पिछड़े किस्म के लोग को जो रास्ते में जो भूखा प्यासा रास्ते में चल रहा हो, और इसी तरह का कार्यक्रम अब आज से शहर के कई हिस्सों में आज से शुरुआत किया गया है। ये आश्रम से लेके आश्रम के बाहर भी हमारी कैंप लग रही है, और यहाँ ही नहीं हमारे हाई रोड से जो कनेक्शन है आश्रम आने की रास्ता, उसी रास्ते के पास गोयल मोड़ है, उस मोयर पे आज से हमारी कैंपिंग शुरू की गई है। आज वहाँ गरीब वंचित पिछड़ों की खान पीन की व्यवस्था की गई है। रास्ते में जो ठेला चालक रिक्शा चालक कई तरह के रास्ते में चलने वाले जो खाने पीने की इच्छुक होते हैं नहीं मिलते हैं तो उस कैंप पे आके हमारा खा सकते हैं। ये खाने का कैंप हर रविवार रहेगा वहाँ भी यहाँ भी, और हर एक फ्रंट में हम लोग इसको स्ट्रीट कॉर्नर के रूप में फूड डोनेशन कैंप का काम करेंगे हम लोग सिलीगुड़ी के हर एक जगह पे। कितने बच्चे आज आपके आश्रम में आए थे? आज हमारे आश्रम में तो काफ़ी 100 बच्चे से भी ऊपर 200 बच्चे के लगभग आए और जा रहे हैं, खा रहे हैं, और अभी और हम लोग फूड कैंप वहाँ भी लगाने लग रहा है। जीवन दांजलि फाउंडेशन मिशन के संस्थापक अध्यक्ष भूषण कुमार सोनी जी और उनके टीम ने संयुक्त रूप से अनाथ बच्चे के देखभाल, पढ़ाई लिखाई, अनाथ विद्यालय, विधवा महिला और लाचार बेघर किसी भी इंसान की देखभाल की व्यवस्था, नव भारत नशा मुक्त अभियान यानी कि नशा मुक्त समाज बनाना, साथ ही साथ पर्यावरण रक्षा, पशु रक्षा, वंचित पिछड़ों के लिए निःशुल्क योजना, आध्यात्मिक योग, चैतन्य विवेक बुद्धि मस्तिष्क प्रबल योग के माध्यम से उन्हें अध्यात्म में जोड़ना और समाज को एक नई दिशा देना, साथ ही साथ महिला पुरुष सभी को स्वावलंबी बना करके आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य का बीड़ा उन्होंने अपने कंधे पे उठाया है। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्या मूर्ति नदी लाटागुड़ी।